हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप का क्या सिंटैक्स है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो हमें पढ़ना है फॉर लूप। तो जैसे कि आपको पता चल चुका होगा कि लूपिंग का यूज़ क्या होता है। अगर आपने मेरे इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ लूपिंग, लूपिंग क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉर लूप के बारे में। तो हम देखते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। तो ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो लूप का यूज़ होता है वो स्टेटमेंट्स को रिपीटिशन देना होता है, जिससे हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर आप फॉर लूप को इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसका सिंटैक्स होता है, हमें लिखना पड़ता है फॉर। ये एक कीवर्ड है इसलिए रेड भी हो गया है देखो, और इसे स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो फॉर आई इन रेंज, इसमें एक मेथड यूज़ होता है जिसका नाम है रेंज, जिससे हम ये बता पाते हैं कि हमें अपने लूप को कितनी बार चलाना है। तो इसके ब्रैकेट में हमें देना होता है वो रेंज, हम जितनी बार लूप चलाना चाहते हैं उस रेंज को यहाँ पर सेट करते हैं। जैसे कि हम अपने लूप को 5 टाइम चलाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,6। तो अगर आपको अपने लूप को 5 टाइम चलाना है तो हम यहाँ पर 1,6 लिखा है। ऐसा हमने क्यों किया, हमने यहाँ पर 5 की जगह पे 6 लिखा, क्योंकि ये रेंज फंक्शन क्या करता है, ये 1 से चलना स्टार्ट करेगा और जो हमने एंडिंग वैल्यू लिखी है, एंडिंग पॉइंट यानी कि 6, तो ये उससे एक कम चलता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे तो ये 5 तक चलेगा, अगर हम यहाँ पे 10 लिखेंगे तो ये 9 तक चलेगा। तो इसलिए हम जहाँ तक भी लूप चलाना चाहते हैं वहाँ से एक वैल्यू एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है ताकि वो उस लूप को उस पूरी वैल्यू तक चला सके जहाँ तक आप चाहते हो। तो हमने यहाँ पर लिखा है 1,6 ताकि ये 1 से लेके 5 तक चल सके, और अगर ये 1 से 5 चला तो ये 5 टाइम चल जाएगा। तो ये फॉर लूप का सिंटैक्स है, फॉर आई इन रेंज, और ब्रैकेट में हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं जिसमें 1 स्टार्टिंग पॉइंट है और 6 एंडिंग पॉइंट है। ये जो रेंज फंक्शन है वो अपने आप जब चलेगा तो ये जो वैल्यू है अपनी 1 2 3 4 5 6, ये अपनी वैल्यू को एक एक करके आई नाम के वेरिएबल को देता जाएगा। यानी कि जब ये लूप चलेगा तो आई के पास सबसे पहली वैल्यू होगी 1, फिर नेक्स्ट टाइम आई के पास वैल्यू होगी 2, फिर नेक्स्ट टाइम आई के पास वैल्यू होगी 3, फिर नेक्स्ट टाइम 4, फिर नेक्स्ट टाइम 5 और फिर नेक्स्ट टाइम 6 होगी। 6 होगी लेकिन 6 हो नहीं पाएगी क्योंकि हमारा लूप सिर्फ 5 टाइम तक चलने वाला है। ओके, तो फाइनली आपको समझ में आ रहा होगा कि रेंज फंक्शन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लूप चलाने वाला है और ये एक कम चलाता है। सो हमने एक एक्स्ट्रा लिख रखा है 6 ताकि ये पूरा 5 बार चल सके। ओके, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो आपको पता होगा कि पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमने जैसे ही एंटर किया तो हमारा कर्सर यहाँ पे आया, तो हमें यहीं से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हमने इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट किया तो ये हम जो भी लिखेंगे अब ये फॉर के अंदर नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हमें उसके इंडेंटेशन को फॉलो करना होता है। जैसे ही हमने एंटर किया तो ये अपने आप कर्सर को उस प्लेस पर ला के रख देता है जहाँ पर उसे रखना चाहिए, जहाँ से उसे लिखना है। तो हम इसी कर्सर जहाँ पर हमारा पॉइंट कर रहा है, हम यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मान लो हमें इस फॉर लूप के थ्रू बहुत ही छोटा सा काम करना है, हमें हेलो प्रिंट कराना है 5 टाइम। तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए पाइथन में एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है प्रिंट, जिसका हम यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा प्रिंट और इसके ब्रैकेट में लिख दिया हेलो। तो हमने प्रिंट हेलो लिख दिया। तो हमने बस एक ही बार ये प्रिंट हेलो लिखा है, और ये जो प्रिंट हेलो है ये स्टेटमेंट अभी लूप का माना जाएगा, क्योंकि हम इस मार्जिन में इस इंडेंटेशन के साथ जितने भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो सारे स्टेटमेंट फॉर लूप के माने जाएंगे। यानी कि अब ये लूप चलेगा और उतनी बार चलेगा जितना हमने यहाँ पे सेट किया है। तो ये लूप 5 टाइम चलेगा और 5 टाइम ये अपने अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो अभी हमने फॉर के अंदर सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट लिखा है जिसमें हमने लिखा है प्रिंट हेलो। तो ये लूप 5 टाइम चलेगा और प्रिंट स्टेटमेंट को, यानी कि इस स्टेटमेंट को 5 टाइम चलाएगा, जिससे हमारे आंसर आने वाला है कितना, 5 टाइम हेलो। तो हम इसको एक बार रन करेंगे। तो हमने F5 प्रेस किया और ओके किया। तो हमने देखा पाइथन सेल में यहाँ पर हमें 5 टाइम हेलो दिख रहा है। ये लूप की वजह से हुआ, क्योंकि हमने अपना लूप चलाया है 1 to 6 कुछ इस तरीके से। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें 5 टाइम प्रिंटिंग तो करनी है लेकिन हेलो और हाय दोनों की, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट के नीचे एक और स्टेटमेंट लगाएंगे प्रिंट, और जिसमें लिख देंगे डबल कोट्स के अंदर हाय। ऐसा करने से क्या होगा, अब ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉर लूप के अंडर में काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे लूप चलेगा वन बाई वन ये दोनों ही प्रिंट एग्जीक्यूट होंगे, और जब लूप पहली बार चलेगा i = 1 जब होगा, तो जब ये अंदर आएगा तो प्रिंट हेलो क्या करने वाला है, हेलो प्रिंट करेगा, और उसके बाद उसके नीचे उसे हाय मिलेगा तो हेलो और हाय ये दोनों अलग अलग लाइन में आएंगे। उसके बाद कंट्रोल ऊपर जाएगा और रेंज 2 वैल्यू i को देगा। तो अभी भी ये रेंज के अंदर है, सो दूसरी बार ये अंदर आएगा और दूसरी बार हेलो और हाय प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, ये 3 हो जाएगा, i के पास 3 पहुँचेगा तो अभी भी वैल्यू रेंज में है, सो अंदर आके तीसरी बार हेलो और हाय प्रिंट करेगा। फिर ये 4 हो जाएगा, 4i की वैल्यू 4 हो जाएगी। उसके बाद चौथी बार ये अंदर आके हेलो और हाय को चौथी बार प्रिंट करेगा। उसके बाद i की वैल्यू 5 हो जाएगी, और ये फिर i की वैल्यू 5 जब हो गई तो अभी भी ये रेंज में है, तो 5वीं बार अंदर आके ये हेलो और हाय प्रिंट करेगा। उसके बाद जब i की वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि ये आगे बढ़ के 6 पे पहुँचेगा, तो जब 6 पे जाएगा तो ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, तो अंदर नहीं जा पाएगा, और बस ये 5 टाइम हेलो और हाय को प्रिंट करेगा। तो हम एक बार इसके आउटपुट को भी देख लेते हैं। तो हमने इसको रन किया तो अभी देखो हमारा आउटपुट थोड़ा सा अलग आया है। इसमें हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय और हेलो हाय ये पूरे 5 टाइम आया, और उसका रीज़न ये है कि हमने हेलो हाय दोनों को ही लूप का स्टेटमेंट बनाया, तो उसने उस दोनों स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाया। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो लूप होता है वो स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूशन देता है, तो हमने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट लिखे हैं और ये लूप उन दोनों को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवा रहा है। तो इस तरीके से फॉर लूप का ये सिंटैक्स होता है जो काम करता है। अच्छा, इसमें जो ये रेंज फंक्शन है ये थोड़ा सा और अलग तरीके से काम कर सकता है। तो वो तरीका ये है कि रेंज फंक्शन कहता है कि अगर आप मेरे अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू डालते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी 1 हटा दिया और यहाँ पर लिखा है सिर्फ 6, तो ये कहता है कि ऐसे केस में हम लूप को 0 से चलाएंगे। तो 0 से चलाएंगे तो अगर हमने यहाँ पे 6 लिखा है तो अभी ये इस लूप को 0 से लेके 5 तक चलाएगा। अगर आप 0 से लेके 5 तक को काउंट करोगे तो ये 6 हो जाएंगे, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 अगर आप काउंट करोगे तो ये पूरी 6 हो जाएंगी, 6 वैल्यू हो जाएंगी, यानी कि ये लूप अभी 6 टाइम चलेगा 0 से लेके 5 तक, और 6 टाइम हेलो हाय को प्रिंट करेगा। तो हम इसको भी एक बार रन करेंगे। तो यहाँ पर हेलो हाय 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि हमने देखा यहाँ पर हेलो हाय 6 टाइम प्रिंट हुआ और यहाँ पर कोई एरर भी नहीं आई, यानी कि हम यहाँ पर एक वैल्यू भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा, जब आप यहाँ पर एक वैल्यू दोगे तो ये लूप को 0 से चलाता है, और जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे डाली है उससे एक कम चलाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 लिखा है तो 5 तक चलेगा, यानी कि 0 to 5। इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है रेंज फंक्शन को यूज़ करने का, फॉर लूप को यूज़ करने का। अगला एक छोटा सा तरीका और है, वो देखते हैं क्या है। अगर हमने इस रेंज फंक्शन के अंदर लिखा है 1, 10, तो हम यहाँ पे 6 के 10 कर देते हैं, तो हमें पता है ये जो रेंज फंक्शन है वो अपने आप 1 का इंक्रीमेंट करता है, यानी कि i के पास पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 1 1 इंक्रीज़ होके आगे की तरफ बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो इंक्रीज़ हो रहा है वो 1 1 के बेसिस पर, ये 2 2 के बेसिस पर हो, या फिर 3 3 के बेसिस पर हो, यानी कि पहले वो 1 हो, फिर 3 हो, फिर 5 हो, फिर 7 हो, फिर 9 हो। तो अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ पर गैपिंग अब 2 की है, क्योंकि 1 और 3 में जो डिफरेंसेस हैं वो 2 के हैं, 3 और 5 में जो डिफरेंसेस है वो 2 का है, तो बार बार 2 का डिफरेंसेस चल रहा है। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं लूप के थ्रू। तो हम यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ाएंगे और वो है स्टेप वैल्यू। तो हम कॉमा लगा के यहाँ पे लिखेंगे 2। तो अगर हमने ऐसा लिखा तो ये लूप 1 से लेके 10 तक चलेगा, और 2 2 के स्टेप के साथ, यानी कि सबसे पहले ये i को 1 देगा, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो ये 2 का इंक्रीमेंट करके अब सीधा 3 देगा, यानी कि 2 अब नहीं देगा, क्योंकि वो 1 में 2 का इंक्रीमेंट करके उसको 3 बनाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम ये 3 से उसको 5 बनाएगा, तो इसमें i में 5 जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम 2 ऐड करके उसको 7 बनाएगा, तो इसमें 7 जाएगा। तो इस तरीके से 1 3 5 7 9। उसके बाद जब ये 11 होगा तो यहाँ पर ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा और ये लूप रुक जाएगा, यानी कि अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारा लूप 1 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए और 9 के लिए चलने वाला है, यानी कि ये हो गया 5 टाइम। तो हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम को रन करते समय इसका जो आउटपुट है वो आ रहा है 5 टाइम हेलो और हाय। चलो देखते हैं। तो हमने इसको रन किया तो ये देखो 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। तो कुल मिला के 5 टाइम ये प्रिंट हुआ और ये हुआ है स्टेप वैल्यू के बेसिस पर। तो हम कुल मिला के 3 तरीके से रेंज को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंगल वैल्यू देके जिसमें सिर्फ एंडिंग पॉइंट होगा और स्टार्टिंग पॉइंट को वो ज़ीरो एज्यूम करेगा, दूसरा जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट होगा, तीसरा जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट होगा और ये स्टेप वैल्यू। 3 चीज़ें यूज़ होंगी बस, इसके अलावा इसमें कोई चौथी चीज़ नहीं आएगी, बस ये 3 तरीके से ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और समझते हैं फॉर लूप को, तो आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। वो क्या है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको 1 से लेके 10 तक की गिनती प्रिंट करनी है। तो अगर आपसे बोला जाता है कि आपको 1 to 10 की काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि आपको लूप 10 टाइम चलाना पड़ेगा। तो अगर आप लूप को 10 टाइम चलाना चाहते हो तो ये 1 से लेके 11 तक इसको चला देंगे ताकि ये पूरा 1 से लेके 10 तक चल जाए। ओके, तो अब हमारा एक काम तो हो गया और वो ये है कि ये लूप 10 बार चलेगा। अब अगर हमने इसके अंदर प्रिंट लगाया और उस प्रिंट के अंदर 1 रख दिया, तो अगर हमने इसके अंदर प्रिंट के अंदर 1 रखा तो 1 एक इंटीजर वैल्यू है और इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो ये 10 टाइम्स चल के इस प्रिंट के अंदर जो 1 लिखा है उसे प्रिंट करेगा। तो इसको हम आउटपुट करते हैं। तो हमने इसको रन किया और यहाँ पे देखा कि 10 टाइम 1 प्रिंट हो गया, लेकिन हमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चाहिए था। तो हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो जैसा आपकी आपको पता है कि हमने जब यहाँ पे 1 लिखा तो वो 10 टाइम्स 1 प्रिंट कर रहा था। तो अगर सर आप यहाँ पे 2 लिख दोगे तो ये 10 टाइम्स 2 प्रिंट करेगा। अगर सर यहाँ पे आप 5 लिख दोगे तो ये 10 टाइम 5 प्रिंट करेगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6। अच्छा, हमें समझना होगा कि हमने यहाँ पे जब 1 लिखा तो वो 10 टाइम्स 1 ही क्यों प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट क्यों नहीं हुआ, 3 क्यों नहीं हुआ, 4 क्यों नहीं हुआ। या हमने जब 2 लिखा तो 2 2 2 2 किया, 3 4 5 नहीं किया, या हम 5 लिखेंगे तो 5 के बाद 6 7 नहीं करेगा, 5 ही क्यों करेगा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम प्रिंट के अंदर जो वैल्यू दे रहे हैं ये एक लिटरल है। प्रोग्रामिंग में लिटरल्स होते हैं, लिटरल्स का मतलब होता है वैल्यू से। तो ये एक वैल्यू है और वैल्यूज़ हमेशा से कॉन्स्टेंट होती हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते। पर आप चाहते हो कि चेंजेस हों, क्योंकि जब तक यहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे आउटपुट में 1 2 3 4 5 नहीं आ पाएगा। तो अगर हम बात करें चेंजमेंट की, तो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। कोई है जो चेंज होता है और वो होता है वेरिएबल। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल चेंजेबल होते हैं, वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, पर वैल्यू हमेशा से कांस्टेंट रही है, प्रोग्रामिंग में भी कांस्टेंट है और ये कभी चेंज नहीं होती है। तो हमें यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि हमें यहाँ पर कोई वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल किया जाए। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू लूप के चलते पहले 1, फिर ट्रू, फिर 3, फिर 4, फिर 5 होती हो। क्योंकि अगर हम एक ऐसा वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के चलते, लूप के चलते अपडेट हो रही हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो रही हो, तो वो हमारा ये काम कर सकता है क्योंकि हम 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम ऐसा करने के लिए अगर हम नज़र घुमा के देखें तो अभी इतने से प्रोग्राम में हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है आई। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो रेंज फंक्शन जब काम करता है तो ये 1 by 1 करके आई को कुछ वैल्यूज़ देता है और वो वैल्यू होती है, अगर आपने लूप को 1 से 11 चलाया है तो ये आई को वैल्यू देगा पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरीके से ये पूरी 10 तक की सारी वैल्यूज़ आई को देगा क्योंकि ये लूप चल रहा है 1 से 10। तो अगर हम इस प्रिंट में 2 की जगह पर आई का इस्तेमाल करते हैं तो ये आई की जो वैल्यू है वो लूप के चलते चेंज हो रही है और हर बार जो चेंजेस वैल्यू है वो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके प्रिंट हो जाएगी। तो अगर हम इसको आउटपुट करें, F5 हमने प्रेस किया, F5 शॉर्टकट होता है रन करने का। तो हमने जैसे ही प्रेस किया तो हमने यहाँ पे देखा इसने काउंटिंग को प्रिंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू कुछ प्रिंटिंग करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले तो मैसेज प्रिंट करके देखा था जो कि बहुत नॉर्मल था, फिर हमने यहाँ पर काउंटिंग प्रिंट कराई तो हमने देखा कि हमें यहाँ पर वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इस तरीके से अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है। जो आपने स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दी है उससे स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा, एंडिंग पॉइंट जो आपने दिया है उससे कम चलने वाला है और उतनी बार चल के लूप के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट वो करवाएगा। तो आशा करता हूँ फॉर लूप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि अभी हमने बात करा था कि अगर हमें दो दो का गैप करना हो तो हम क्या करेंगे। तो जैसे हमने 1 से लेके 11 तक चलाया है, तो हम यहाँ पर अगर 2 कर देते हैं तो हम देखेंगे कि अब ये जो i के पास वैल्यू जा रही है वो 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 का मतलब है कि दो दो का गैपिंग करना। 1 का गैपिंग वो बाई डिफ़ॉल्ट करता है अपने आप, पर उससे ज़्यादा की गैपिंग के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो हम एक बार फिर से रन करेंगे और हम देखेंगे हमारा आंसर आ रहा है 1 3 5 7 9। ये 9 के बाद आगे इसलिए नहीं गया क्योंकि उसके बाद 11 होता है और ये कंडीशन को फॉल्स कर देगा, तो उसे यहाँ से बाहर आना पड़ेगा। तो इस बेसिस पर यहाँ पर आप 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया 4। तो सबसे पहले वो 1 प्रिंट करेगा, 1 के बाद उसमें 4 का गैप बना के यानी कि 5 बनाएगा और फिर 5 प्रिंट करेगा। 5 में 4 ऐड करोगे तो 9 आता है, 9 को प्रिंट करेगा। उसके बाद 9 में 4 ऐड करोगे तो 13 होता है, और जो कि अभी कंडीशन को फॉल्स करेगा और ये प्रिंट नहीं होगा। तो इसको हम ही रन करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1 5 और 9, ये 3 वैल्यू। तो इस तरीके से हम स्टैब वैल्यू का भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें इसकी ज़रूरत है तो। तो इस तरीके से हम फॉर लूप को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फॉर लूप को रिवर्स में चलाना चाहते हैं, जैसे कि कोई आपसे बोलता है कि आपको 10 से 1 की काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि हमें एक रिवर्स लूप कैसे चलाना होता है। तो कभी भी आप फॉर लूप को रिवर्स ऑर्डर में चलाना चाहते हो, जैसे कि हमें 10 से 1 तक की काउंटिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें रेंज के अंदर हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 10 है, तो हमें लिखना पड़ेगा 10 कॉमा, हमें जाना है 1 तक। तो जैसा आपके आपको पता है कि जो हम यहाँ पर एंडिंग पॉइंट देते हैं उससे 1 कम चलता है, तो अगर हमने यहाँ पे 1 लिखा तो ये काउंटिंग को प्रिंट कराएगा सिर्फ 2 तक, लेकिन हमें तो पूरा 1 तक चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 लिखने से क्या होगा कि ये 1 तक चलेगा और हमें 10 से लेके 1 तक की काउंटिंग मिल जाएगी। अच्छा, जब हम लूप को रिवर्स चलाते हैं तो हमें यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी होती है, वो ये है कि हमें यहाँ पर कॉमा लगा के -1 देना होता है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये लूप रिवर्स ऑर्डर में नहीं चलेगा। तो जब भी आप रिवर्स लूप चलाओगे तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट तो बना दोगे, पर इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर -1 लिखना पड़ेगा, जिससे ये रिवर्स लूप चल पाएगा। तो अब हम देखेंगे इस प्रोग्राम को अगर रन करें तो हम देखेंगे कि 10 से लेके 1 तक की काउंटिंग प्रिंट हो रही है। तो इसको हम रन करते हैं, हमने F5 प्रेस किया और ये पाइथन सेल में हमें मिला 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1। तो इस तरीके से हम एक रिवर्स लूप चलाते हैं फॉर लूप को। तो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें अगर फॉर लूप को रिवर्स ऑर्डर में चलाना है तो हम किस तरीके से चलाएंगे। तो ये था हमारा फॉर लूप कि फॉर लूप क्या कर सकता है, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है और फॉर लूप के एग्जाम्पल्स, यानी कि हम फॉर लूप को यूज़ कैसे करेंगे। तो आपने यहाँ पर 2 3 4 प्रोग्राम के थ्रू ये समझा होगा कि लूप की वर्किंग क्या होती है और ये कैसे काम करता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद।